तो हमने किरचॉफ लॉ किया, बस हमने किरचॉफ लॉ किया, एक दो न्यूमेरिकल में लगा के देखा कि लूप लॉ कैसे लगाना है और करंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। किरचॉफ लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं। किरचॉफ लॉ की पहली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम तो सुना हुआ है पर लेकिन इसका प्रूफ नहीं किया हुआ, रादर इसको यूज भी किया हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का, और वो अरेंजमेंट रोम्बस टाइप है, 1 2 3 4 ऐसे ब्रिज की फॉर्म में अगर आप इन रेजिस्टेंसेस को लगा दें, इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। क्या काम है व्हीटस्टोन ब्रिज का, हम क्यों करते हैं ये? अगर आप मुझे चार रेजिस्टेंसेस दो, पी क्यू आर और एक्स, और चार में से तीन रेजिस्टेंसेस नॉन रेजिस्टेंसेस हो, आपको पता हो उसकी वैल्यू, और आपको आखिरी रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू को निकालना हो जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को निकाल देगा, उन तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू से चौथी रेजिस्टेंस को वो निकाल देगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इसका मतलब क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम अननोन रेजिस्टेंस, की वैल्यू को निकाली जा सकती है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसको नल मेथड बोलते हैं इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इसमें एरर नहीं होता, इसमें एरर नहीं है, इसलिए कौन सा मेथड है? ये नल मेथड है। क्लियर है यहां तक? बहुत परफेक्ट मेथड है। तो करता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालता है। क्या प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। क्या कंस्ट्रक्शन है? आपने कंस्ट्रक्शन में ऐसा बनाना है, आपने एक रेजिस्टेंस लेनी है पी, एक क्यू, एक आर और एक अननोन एक्स, और बीच में लेना है गैल्वेनोमीटर जी। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो ये डिटेक्ट करता है कि वायर में करंट है या नहीं। इसमें सुई लगी होती है, सुई डिफ्लेक्ट हो गई, करंट है, नहीं हुई, करंट नहीं है। क्लियर है? और गैल्वेनोमीटर के अंदर वायर्स होती हैं, उस वायर के रेजिस्टेंस कैपिटल जी है। तो कुल मिला के यहां पर एक पी है, एक क्यू है, एक आर है, एक एक्स है और एक बीच में गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी है। कोई डाउट इसमें? फिर आपने एक बैटरी लगा दी ई, काम कैसे करता है ये, एक्स कैसे निकलेगा? इसके लिए आप मान लें इसमें से आपने आई करंट बाहर निकाला, बैटरी ने आई करंट बाहर निकाला, आई में से आई वन इस ब्रांच में चला गया, बचा हुआ आई माइनस आई वन यहां पे चला गया। तो आई करंट में से आई वन इधर गया, आई माइनस आई वन इधर आया, तो ये आई वन करंट आया। आई वन करंट फिर दो ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें से आई टू नीचे आ गया, बचा हुआ आई माइनस आई टू इधर आ गया, तो ये आई करंट आया, आई वन, आई माइनस आई वन, आई वन में से आई टू, आई माइनस आई टू, इधर से आई टू, इधर से आई माइनस आई वन, दोनों करंट मिलके इधर करंट जाएगा, तो ये करंट आई टू, ये आई माइनस आई वन, दोनों मिल गए, तो आई माइनस आई वन प्लस आई टू इस ब्रांच में चला गया। तो इस ब्रांच में करंट आई माइनस आई वन प्लस आई टू, इधर से क्या आ रहा है? आई वन माइनस आई टू, दोनों मिलके यहां पे जाएंगे। जब ऐड करोगे तो आई वन से आई वन, आई टू से आई टू कैंसिल, टोटल करंट क्या आएगा? आई आएगा। तो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है। कैसे मुझे पता लगा डिस्ट्रीब्यूशन सही है? क्योंकि बैटरी ने आई निकाला और बैटरी को आई वापस मिला, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है। तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? एक्स। हम एक काम करेंगे, इसके अंदर ये दो लूप्स हैं वन एंड टू, पहले लूप नंबर वन लेंगे। लूप नंबर वन में किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएंगे, लूप लॉ। कैसे? यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस आई वन पी, फिर मैं नीचे आ रहा हूं करंट की डायरेक्शन में तो माइनस आई टू जी, फिर मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं तो प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन, और इसका सम क्या आएगा? इक्वल टू 0। कोई डाउट इसमें? तो किरचॉफ लॉ लगा के रूल आ गया, ये टर्म इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव होगी, ये एक तरफ, तो इक्वेशन नंबर वन आ गई। संभाल के रख लो इक्वेशन नंबर वन। क्या पॉइंट क्लियर है? अब एक काम करो, लूप नंबर टू लो। लूप नंबर टू में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाओ फिर से एक बार। कैसे? करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस क्यू इंटू आई वन माइनस आई टू,
फिर इधर आ रहे हैं करंट के ऑपोजिट हैं, तो प्लस एक्स इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई टू। फिर ऊपर जा रहे हैं करंट नीचे आ रहे हैं करंट के ऑपोजिट हैं, तो प्लस आई टू इंटू जी। तो फिर से एक बार लूप लॉ लगाया, सम इक्वल टू जीरो, नेगेटिव वाली टर्म्स एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो इक्वेशन नंबर टू। तो आपने फर्स्ट लूप में किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाया, एक इक्वेशन आई, सेकेंड लूप में लगाया सेकेंड इक्वेशन आई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हर स्टूडेंट यहाँ तक लगा लेगा, हर कोई लगा लेगा यहाँ तक। अब इसके अंदर एक रूल है कि आप मुझे पी क्यू आर नॉन रेजिस्टेंसेज हैं, ये तो आप मुझको ला के दोगे, अननोन मैं आपको निकाल के दूंगा, ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पी क्यू आर तो नोन है। तो आपने मेरे को पी क्यू आर की रेजिस्टेंस दी, मैंने लगा दी सर्किट में, तो आपने मेरे को पी क्यू आर की वैल्यूज ऐसी देनी है, आपने मेरे को नॉन रेजिस्टेंसेज ऐसी देनी है कि जब मैं यहां पर फिट करूं करंट ऐसे डिवाइड हो कि बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ जाए। ठीक, मान लो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पी क्यू आर का, क्योंकि जब पी क्यू आर चेंज करेंगे तो करंट हर ब्रांच में क्या होगा, चेंज होगा। तो जब पी क्यू आर चेंज करेंगे करंट हर ब्रांच में चेंज होगा, तो बी और डी का पोटेंशियल सेम चाहिए मुझे। अब कैसे सेम होएगा, ऐसा हो सकता है, सेम हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं है, पर यह ना बड़ा हिट एंड ट्रायल है। आपने मेरे को पी क्यू आर दिया, मैंने देखा नहीं यार सेम नहीं आया, मैंने कहा ले जाओ उठा के पी क्यू आर, नई रेजिस्टेंस ला के दे, तो मैं आप नई लेके आओगे, मैंने फिर लगाया नहीं आया, मैं कहा फिर ला के दो, फिर आपने पी क्यू आर लगाया, फिर नहीं आया, फिर लगा के, हो सकता है एक दिन में आंसर आ जाए, हो सकता है कई साल भी आंसर ना आए, हिट एंड ट्रायल है। एक ही कॉम्बिनेशन चाहिए पी क्यू आर का, ताकि बी और डी का पोटेंशियल किसी तरीके से सेम हो जाए। और जब वो सेम होगा, मुझे पता कैसे लगेगा कि पोटेंशियल सेम हो गया, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर यहां और यहां का पोटेंशियल सेम हो गया, अगर, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, तो करंट तो जाना इसमें बंद हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर फटाफट रीडिंग को जीरो कर लेगा, उसी टाइम मालूम हो जाएगा कि पोटेंशियल सेम हो गया। तो तुम पूरा दिन बैठ के पी क्यू आर चेंज करते रहो, बस किसी भी तरीके से तुम जी को जीरो ले आओ, क्योंकि अगर तुम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो नहीं लाओगे, आप एक्स नहीं निकाल सकते। चलो हाइपोथेटिकल है, मान लो हो गया, तुमने ऐसा पी क्यू आर ढूंढ दिया और उसी टाइम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी जीरो हो गई, तो तुम अब लोगों को बोल सकते हो मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया। इसे बोलते हैं जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है तो ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो जैसी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हुई, आई टू उसी वक्त क्या हो गया, जीरो हो गया। तो तुम एक काम करो, इक्वेशन नंबर वन में जहां जहां तुम्हें आई टू दिख रहा है उसको जीरो कर दो, इक्वेशन नंबर टू में जहां जहां तुम्हें आई टू दिख रहा है यहां पर भी जीरो कर दो। तो देखो, वैल्यू ऑफ पी क्यू आर सिलेक्टेड इन सच अ वे कि बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए, तो इक्वेशन, तो आई टू को जीरो करना है। तो इक्वेशन नंबर वन में आई टू जीरो पुट करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर वन मॉडिफाई हो जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर टू में आई टू को जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फोर। कर लोगे ये वन और टू में आई टू जीरो कर करके ये दो इक्वेशंस, फिर तुम थ्री और फोर इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको इससे, इसको इससे, जब डिवाइड करोगे आई वन से आई वन कैंसिल, ये करंट से ये करंट कैंसिल, और देखो आंसर आ गया पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर, क्योंकि तीन रेजिस्टेंसेज नोन थी, एक अननोन थी, अननोन की वैल्यू आ गई। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल में यूज किया, हमने उल्टा किया, हम ऐसा चेक करते हैं कि अगर पी बाई क्यू आर बाई एक्स के इक्वल हो जाए, अगर P by Q R by X के इक्वल हो जाए तो मैं इसे हटा दो, और इसमें प्रूफ में क्या करते हैं, क्योंकि I2 जीरो है तो इसलिए रेशो बराबर है। तो समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल उल्टा चलता है, न्यूमेरिकल में रेशो चेक कर लेते हैं कि हमें मालूम पड़ चुका है कि रेशो आएगी ही तब जब I2 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो रूल समझ में आ रहा है, अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकलती है इसमें, तो अननोन रेजिस्टेंस इस तरीके से निकलेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूफ भी आ जाता है, एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। तो ये इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज की वैल्यू का टॉपिक है।